हेलो एवरीवन, वेलकम टू माला की पाकशाला। आज माला की पाकशाला में बनने वाला है मिर्च का अचार, जो होगा बिना तेल का और इसे हम बिना धूप लगाए ही बनाएंगे। बहुत टेस्टी अचार बनता है, तो इसके लिए मिर्च देख लेते हैं। मिर्च जो है, हमें जो मोटी वाली आती है वो नहीं लेनी क्योंकि वो फीकी होती है, और जो बहुत पतली वाली आती है वो भी नहीं लेनी है क्योंकि वो बहुत तीखी होती है। ये इस तरह की मिर्च है, देखिए एकदम तोते के रंग की है ना, इसी तरह की हमें मिर्च लेनी है। मिर्च धो के अच्छे से साफ कर लेनी है, इसको अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद हम इसका जो डंठल है वो हटाएंगे, इससे जो है हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने मिर्च के डंठल निकाल लिए हैं। ये जो मिर्च है करीब 200 ग्राम मिर्च है, और अब हम इसे बाइट साइज में काट लेंगे। बाइट साइज में काटने से ये होगा जो अचार है वो वेस्ट नहीं होगा, और हमें हर मिर्च में मसाला भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने मिर्च को काट लिया है। आप जिस बर्तन में भी अचार डालें, चाहे जिसका भी डालें, वो हमेशा सूखा हो, चाकू भी एकदम सूखा हो, जिस जार में आप उसे डालें वो भी एकदम सूखा ही होना चाहिए। मेरे चैनल पे जाके आप तरह तरह के अचार की रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा इसमें, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा नींबू का रस, बीज निकाल के डाल दें। देखिए मैंने नींबू का रस भी इसमें डाल दिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करके किसी कांच के जार में 1 दिन के लिए ऐसे ही रेस्ट करने रख दें। देखिए मैंने इसको 1 दिन के लिए जार में भर के रख दिया था, धूप में नहीं रखा है, बस ऐसे ही रख दिया था। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं। एक मिक्सिंग जार लीजिए, उसमें मैं 1.5 चम्मच सरसों के दाने डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच सौंफ। इस मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से पीस गया है, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें डालिए 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और इतना ही डाल रही हूँ हींग, और थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी। बस इन सबको करिए मिक्स। देखिए कितनी जल्दी अचार का मसाला बनकर तैयार है। बस इसमें डाल लेते हैं इसे। और करते हैं अच्छे से मिक्स। साथ ही डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना अच्छा हमारा अचार दिख रहा है, कितनी जल्दी बन गया है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें।